केंद्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से सिंचाई विभाग के एक जूनियर इंजीनियर को बच्चों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी जेई मूल रूप से बांदा के नरैनी कस्बे का रहने वाला है। इस सिंचाई विभाग में चित्रकूट में 2010 से तैनात है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि आरोपी 10 साल में 50 से ज्यादा बच्चों के साथ यौन शोषण कर चुका है। वह बच्चों के साथ अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ऑनलाइन बेचता था। आरोपी इंजीनियर रामभवन ने बच्चों के साथ घिनौनी करतूत को चित्रकूट, हमीरपुर और बांदा जिले में अंजाम दिया है। सीबीआई ने आरोपी के पास से 8 मोबाइल फोन, 8 लाख कैश, लैपटॉप, सेक्स टॉय, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं। दिल्ली से आई सीबीआई टीम 3 नवंबर को जेई रामभवन और उसके ड्राइवर अभय कुमार को एसजीएम कॉलोनी स्थित घर से गिरफ्तार कर ले गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि सीबीआई ने स्वतः इस मामले को संज्ञान में लिया है, जिसको लेकर सीबीआई ने जेई को गिरफ्तार किया। उसे आज बांदा कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान बांदा कचहरी परिसर में भीड़ भाड़ का माहौल रहा और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात नजर आया। स्पेशल डेस्क, जनमत न्यूज़।